नमस्कार, छिंदवाड़ा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जिले के सांसद आदर्श ग्राम खुटिया को वास्तविक रूप से आदर्श ग्राम बनाने के लिए कलेक्टर जेके जैन के निर्देशन में जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग मोदी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत खुटिया में सभी जिलाधिकारियों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में कृषि उद्यानिकी आपूर्ति मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी शिक्षा महिला बाल विकास शिक्षा केंद्र ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और अन्य संबंधित विभागों के विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर जेके जैन के निर्देशन पर जिला आबकारी अधिकारी दीपम रायचूरा के मार्गनिर्देशन में गत दिवस रात्रि में विभागीय टीम द्वारा छिंदवाड़ा शहर के आसपास सभी होटलों और ढाबों की सघन तलाशी ली गई। इस तलाशी के दौरान छिंदवाड़ा में बस स्टैंड पर बॉम्बे होटल, नरसिंहपुर रोड पर रघुवंशी ढाबा, कुसमेली मंडी में महेश ढाबा और राय ढाबा, सिमरिया में कनक ढाबा, गोरेघाट में शक्ति ढाबा और तंसरा में कैलाश ढाबा में संयुक्त दबिश के दौरान शराब का सेवन करते पाए जाने पर 7 आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया और संबंधित होटल ढाबा संचालकों को भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी दी गई। थाना कोतवाली द्वारा 10 जुलाई को जिला चिकित्सालय से नवजात को अपहृत करने वाले को धर दबोचा है। कोतवाली पुलिस के अनुसार ग्राम बामनवाड़ा निवासी राजा राम मुहवे और घोड़ावड़ी निवासी पूजा पहाड़े उर्फ दिशा सोनी ने छिंदवाड़ा निवासी शिव कुमारी के नवजात शिशु को अपहृत कर लिया था। पुलिस ने इस नवजात को इनके चंगुल से छुड़ाने में सफलता हासिल कर ली है। ये छिंदवाड़ा की संभवतः पहली घटना थी जिसमें कि अस्पताल से बच्चे को चोरी किया गया था। अतः वहाँ पे तत्काल टीम लगी और हम लोगों ने, हमारी टीम ने पता किया कि वहाँ पे जो एक CCTV फुटेज है उसके माध्यम से रात को 2 से 2:30 बजे के बीच में एक महिला को एक थैला लेके जाते हुए दिखी थी। यही सिर्फ एक एविडेंस था जिस पे हम लोग ने प्रथम दृष्टया अपना काम चालू किया गया था। और 20 तारीख को अभी कल हमारे टीम को पता चला कि राजेश महोबे उमरा नाला पर देखा गया है, तो उमरा नाला से राजेश महोबे को लिया गया और वो टीम हमारी तत्काल उनके साथ रवाना हुई और दिशा उर्फ पूजा नाम की महिला जो है ये भोपाल रेलवे स्टेशन से इसको शिशु के साथ दस्तयाब किया गया है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का नक्शा जलाकर देश में बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए तभी आतंक का खात्मा होगा। गणेश चौक निवासी शैलेंद्र अवस्थी ने नाले निर्माण को लेकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की। निगम कर्मचारियों के समझाने पर मामला शांत हुआ। भाई मिद्दू स्वामी खाते की मेरी जमीन है, अगर आप इसमें जैसे अगर इसका एक अन्य निराकरण है कि आप गणेश चौक से लेकर दुर्गा चौक तक एक पाइपलाइन डाल दें, जो कल पाइपलाइन डालने के द्वारा मेरे गंदे पानी की निकासी जो है आसानी से हो सकती है। भाई मेरे प्लाट से नाला निकासी बंद हो जाएगी, इस कारण मैंने इनको बोला, ये मेरी बात ना मानते हुए रोड का निर्माण कार्य करके रोड बना रहे थे। प्रशासन द्वारा रेत बंदी के बाद इसके अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर मात्र खानापूर्ति की जा रही है। खनिज विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुछ स्थानों पर अवैध रेत भंडारण के प्रकरण बनाए गए हैं। जिले में अभी तक 395.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक 530.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले में 21 जुलाई को सुबह 8 बजे समाप्त 24 घंटों के दौरान 7.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार।